हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। बॉलीवुड की लेजेंडरी एक्ट्रेस श्रीदेवी अब हमारे बीच नहीं है। कहने को तो वो इंडस्ट्री की बड़ी अदाकारा थी, लेकिन बीते कुछ वक्त में बड़े फिल्म मेकर्स ने जैसे उन्हें भुला दिया था, जिसका गम उन्हें आखिरी वक्त तक सता रहा था। इसी वजह से उनके पति बोनी कपूर को उनके लिए फिल्म बनानी पड़ी थी। इसका खुलासा उन्होंने खुद लाइव हिंदुस्तान को दिए एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने कहा था कि आज जिस तरह की फिल्में बन रही हैं उसमें शायद उनके लिए कोई खास रोल नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उनके करियर को बनाने वाले पति बोनी कपूर के पास हमेशा उनके लिए काम था और रहेगा भी। बोनी ने ही उनकी अंतिम फिल्म मॉम को बनाया था, जिसमें श्रीदेवी ने मां का किरदार निभाया था। इसमें उनके साथ नवाजुद्दीन और अक्षय खन्ना थे। उस समय बोनी कपूर ने भी कहा था कि श्रीदेवी हमेशा से उनके लिए सुपरस्टार हैं और वही फिल्मों के लिए उनकी पहली और आखिरी पसंद रहेंगी। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडस्ट्री में इतना काम करने के बाद और इंग्लिश विंग्लिश जैसी सुपरहिट कमबैक करने के बाद भी जब श्रीदेवी को उनके मन मुताबिक काम नहीं मिला तो उन्हें कितनी निराशा हुई होगी, और उनकी इसी निराशा को दूर करने के लिए उनके पति ने उनके लिए फिल्म बनाई थी। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करिए और जरूर सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल माइंड द न्यूज को। थैंक यू।